भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम उक्ता प्रदान किया था। किसको किया था उक्ता प्रदान? जल्दी, मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को उक्ता प्रदान किया था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस तुर्क ने लूटमार की नीति छोड़कर भारत में अस्थायी राजनीतिक शासन की स्थापना की नीति अपनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने अपनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहता है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत के अभियान के समय कश्मीर पर किस वंश का शासन था? मोहम्मद गजनवी के भारत अभियान के समय कश्मीर पर किस वंश का शासन था? लोहार वंश का था। किसका था? लोहार वंश का था। लोहार वंश का शासक था। 8वीं शताब्दी के मध्य में दिल्ली नगर की नींव किस शासक ने रखी थी? तोमर शासक ने। तोमर शासक अनंगपाल ने। तोमर शासक उसने अनंगपाल ने रखी थी। मोहम्मद गजनवी ने भारत में अपना अंतिम अभियान 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध किया था? गुजरात के जाटों के विरुद्ध। गुजरात के जाटों के विरुद्ध किया था। बगदाद के खलीफा द्वारा मुस्लिम शासकों को इस्लाम रक्षक के रूप में प्रदान की जाती है। किसने था? अमीन उल मिल्लत के रूप में। कहता सुल्तान खुसरो किस समाज का अंतिम शासक था? सुल्तान खुसरो किस समाज का अंतिम शासक था? गजनी साम्राज्य के। किस समाज के? गजनी साम्राज्य। कहता है 1175 में 1175 ईस्वी में ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया? शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। किसने? शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। कहता है अबू पर्वत के निकट 1178 ईस्वी में किस शासक ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? मूलराज ने। किसने? मूलराज ने। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय अनिलबाड़ा का शासक कौन था? भीमदेव। कौन थे? भीमदेव थे। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इल्तुतमिश। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने? कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान, मतलब कौन होता था? खान होता था, जो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। पता है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? इल्तुतमिश। किसने? इल्तुतमिश। कहता कुतुब मीनार को कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन बना? गयासुद्दीन तुगलक। कहता दिल्ली के पहला तुगलक सुल्तान कौन बना? गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर ने। किसने? तो कल्लर ने। वह रोम सम्राट अगस्टन की भांति सावधान था कि वह दूसरे की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरे को के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी का। किसका है? बहलोल लोदी का। नेक्स्ट है अलबेरूनी किसके शासक काल में इतिहास सरकार था? महमूद गजनवी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के। किसको? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल आक्रमण हुए। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वी राज को पराजित किया था। किसने? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वी शाह को पृथ्वीराज को पराजित किया था। अमीर को ही नाम एक नया विभाग
किस सुल्तान द्वारा किया गया, शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अमीर खुसरो,